तो स्वागत है आप लोग एक और न्यू फ्रेश वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग होंडा की एक न्यू नवेली बाइक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आपको होंडा की शोरूम में मिलेगी नहीं, क्योंकि ये आपको मिलेगी होंडा की बड़ी शोरूम में, जिसका नाम होता है होंडा बिग विंग शोरूम्स। तो होंडा बिग विंग शोरूम में आपको ये बाइक देखने को मिलेगी, और ये होंडा की एक प्रीमियम बाइक है। इसका नाम है होंडा CB300F। ये बाइक को लॉन्च किया गया है होंडा इंडिया की तरफ से 6 अगस्त को, मतलब यही महीने ये बाइक लॉन्च हुई है। इस बाइक की वैसे ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर कर दी थी इंस्टाग्राम पे, लेकिन बहुत लोग डिमांड कर रहे थे कि थोड़ा सा इस बाइक के बारे में डिटेल में बताओ कि इस बाइक में क्या चीज़ है, क्या चीज़ नहीं है, कौन से लोगों को इस बाइक को लेना चाहिए, किस लोगों को नहीं लेना चाहिए। तो सभी चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे, वीडियो को एंड तक जोर से देखिएगा। एंड अभी आप लोगों को पता है कि अभी फेस्टिव सीजन आने वाले हैं, तो अभी बहुत सारी बाइकों पर आपको डिस्काउंट मिलेगा, बहुत सारी बाइकें न्यू आएगी मार्केट में। तो सब सभी इन्फॉर्मेशन कहीं आपसे मिस ना हो जाए, कहीं आप लोगों सब डिस्काउंट मिस ना करने पाओ, तो इंस्टाग्राम पे जोर से फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम की लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी, वहीं पर आप लोगों को सभी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है कि कौन सी बाइक न्यू आ रही है, कौन सी बाइक में क्या डिस्काउंट चल रहा है, कौन सी बाइक किसके लिए सही है, सभी वहाँ पे चीज़ आप लोग मेरे से पूछ सकते हो, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। अब इस वीडियो को बिना देर करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो होंडा CB300F पे बात करने से पहले मेरे को पता है कि बहुत ही लोग कमेंट करेंगे कि भाई होंडा को बोलो कि CBR150R को लॉन्च करे, CBR250R को लॉन्च करे। तो बहुत ही लोग बोल के थक गए हैं, मतलब होंडा इंडिया को कुछ लोगों ने मेल भी किया है जो बहुत ही ज्यादा होंडा के फैन बॉयज हैं, लेकिन होंडा को भी पता नहीं यहाँ पे क्या लगता है, जिसकी वजह से वो उन दोनों बाइकों को इंडिया में लॉन्च ही नहीं करती। मतलब लगता है कि होंडा ने कसम ही खा लिया है कि इंडिया में वो दोनों बाइक को हम लोग नहीं लाएंगे। इस साल के स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा र्यूमर्स निकले थे कि CBR150R आपको मिलेगी, और कहीं कहीं ऑफिशियल सोर्सेज से भी कंफर्मेशन आया था कि आपको CBR150R देखने को मिल जाए, लेकिन अभी भी ये जो साल है ये ख़त्म होने पे बाकी है, मतलब फेस्टिव सीजन अभी आने में बाकी है, और अभी मतलब ईयर एंड में भी कुछ कुछ कंपनियाँ बाइकें लॉन्च करती है, तो उस समय देखना पड़ेगा कि होंडा क्या करती है। अगर ऐसा कुछ भी इन्फॉर्मेशन मेरे को मिलता है CBR150R से रिलेटेड स्पेशली, क्योंकि 250R तो अभी आने से रही, तो वो सब इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा चैनल पे, और इंस्टाग्राम पर भी आपको मिल जाएगी सबसे पहले, सो इसलिए वहाँ पर आप लोग फॉलो कर सकते हो। तो अभी फिलहाल के लिए CBR150R और 250R जो है ये आपको देखने को नहीं मिलेगी। इनफैक्ट CBR300R भी जो है, जिसमें कि आपको इनलाइन 2 सिलेंडर इंजन देखने को मिलता है, जो कि इंटरनेशनल मार्केट में आती है जैसे कि इंडोनेशिया, थाईलैंड में, तो CBR300R भी आपको नहीं देखने को मिलेगी। तो अभी सिर्फ आपके पास होंडा में अगर आपको कोई 300cc की बाइक खरीदनी है, तो वो है आपके पास होंडा CB300F। तो CB300F के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन पर बात करने से पहले, इसके इंजन उंजन पर बात करने से पहले, सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि ये बाइक को अगर आप लेना चाहते हो तो इसके लिए आपको प्राइस कितनी पे करनी पड़ेगी। तो CB300F के लिए आपको ऑनर न्यू दिल्ली में प्राइस पे करनी पड़ेगी 2,60,000 रुपीज। और वहीं इसकी अगर एक शोरूम प्राइस के बारे में आपको बताऊँ, तो इसकी जो एक शोरूम है वो है 2,25,900 रुपए, RTO दिल्ली के हिसाब से इसकी कटेगी 19,000 लगभग रुपए की, और इंश्योरेंस कटेगा लगभग 10,700 रुपए का। सो दिस वॉज द प्राइस ऑफ दिस बाइक ऑन रोड, एंड इफ यू टॉक अबाउट ओनली द एक्स शोरूम प्राइस, सो दिस बाइक कम ऑन एक्स शोरूम विद अ प्राइस टैग ऑफ 2,25,900 रुपीज। इस बाइक में आपको दो मॉडल्स देखने को मिलते हैं, एक है डीलक्स और दूसरा है डीलक्स प्रो। कॉस्मेटिक चेंजेस के साथ ही दोनों मॉडल में आपको डिफरेंशिएट देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं है कि किसी में पावर और टॉर्क ज्यादा है तो किसी में फीचर ज्यादा है, एक है डीलक्स दूसरा है डीलक्स प्रो। अब आप लोग हीरो होंडा सिटी डीलक्स मत समझ लेगा, वो एक अलग बाइक थी, यहाँ पे CB300F हम लोग डीलक्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो बहुत लोग मेरे से ये भी पूछते हैं कि भाई होंडा की फ्लीट में फिलहाल कौन कौन सी बाइकें चल रही है, क्योंकि बहुत ही लोगों को पता नहीं है कि BS6 के बाद से होंडा की कौन सी बाइक डिसकंटिन्यू है और कौन कौन सी बाइक वापस से शोरूम में आ गई है। तो होंडा की सिर्फ जो स्पेशल प्रीमियम बाइक है, जो कि आपको होंडा के बिग विंग शोरूम से मिलेगी, वही सब बाइकों की इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। तो होंडा CB300F आपको मिल रही है, जिसके बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, अभी इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन पर भी बात करना बाकी है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बीच में छोड़ के मत जाइएगा। फिर आपको होंडा की CB350RS देखने को मिलेगी, जो कि होंडा की एक तरह से रेट्रो क्रूजर बाइक है, जिसकी एक शोरूम प्राइस हो गई लगभग 2,03,000 रुपए। फिर आपको होंडा की CB300R देखने को मिलेगी, जो कि पहले भी आती थी, और CB300R जो है वो CB300F से महंगी है। CB300F जैसा मैंने आपको बताया 2,25,900 रुपए के आसपास है एक शोरूम में, लेकिन वही जो CB300R है ये 2,77,000 रुपए की पड़ेगी आपको एक शोरूम में ही, तो आप लोग ऑनरोड पकड़ सकते हो कि ये 3,00,000 से पार चल जाएगी। तो ये हो गई आपकी होंडा CB300R। फिर आपको होंडा की CBR650R, जो कि मिडिल वेट स्पोर्ट सेगमेंट की बाइक है, ये भी अभी वापस से आ गई है शोरूम पे, ये मतलब डिस्कंटिन्यू नहीं हुई है। होंडा की गोल्ड विंग हो गई, ये अभी डिस्कंटिन्यू है, ये आपको अभी नहीं देखने को मिलेगी। और होंडा की CB500X, ये होंडा की न्यू एडवेंचर एंड टूरिंग पर्पज वाली बाइक है, ये आपको देखने को मिल रही है। CB650R देखने को मिल रही है, जो कि CBR650R की नेकेड मॉडल है। एंड लास्टली आपको होंडा अफ्रीका ट्विन देखने को मिल रही है, जिसकी
शोरूम प्राइस है लगभग 16 लाख रुपए। यही सब कुछ होंडा की बाइकें हैं जो कि स्टिल आपको होंडा के फ्लीट में मिल रही है ऑन देयर बिग विंग शोरूम्स। अब बिग विंग शोरूम्स को मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ कि होंडा दो टाइप के शोरूम्स चलाती है। एक होती है नॉर्मल शोरूम जो कि मेरे और आपके शहर में, जिसमें कि आपको एक्टिवा मिलती है, एक होती है होंडा की बिग विंग शोरूम। तो बिग विंग शोरूम आपको बड़े शहरों में देखने को मिलेगी, जैसे मेरे जो एरिया है सबसे पास में यहाँ पे रांची है, तो रांची में बिग विंग शोरूम है, वहाँ पे मैं चाहूँ तो जाके ये सब बाइकों को एक्सप्लोर कर सकता हूँ, वहीं से जाके मैं ले सकता हूँ। नॉर्मल होंडा की जो शोरूम्स है उनमें आपको ये सब बाइकें नहीं देखने को मिलेगी। जैसे मारुति सुजुकी की दो शोरूम चलती है, आप लोगों को पता ही होगा, जिसको कि एक एरिना बोला जाता है और दूसरा नेक्सा बोला जाता है। नेक्सा में आपको बलेनो मिलती है, एरिना में आपको स्विफ्ट देखने को मिलती है। तो वही एक तरह का होंडा का भी यहाँ पे गेम है, मतलब प्रीमियम बाइकों के लिए प्रीमियम शोरूम्स और जो नॉर्मल बाइकें हैं उनके लिए नॉर्मल शोरूम। एंड नाउ बैक टू आवर मेन टॉपिक, जहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं CB300F की। तो CB300F जो है ये मार्केट में कॉम्पीट कर रही है BMW G310R से, KTM 390 Duke से, बजाज डोमिनर 400 से, ये टाइप की बाइकों से ये बाइक कंपेयर कर रही है। इंजन जो है इसमें आपको मिलेगा 293cc का ऑयल कूल्ड। जी हाँ, इसमें ऑयल कूल्ड इंजन आपको मिल रहा है, लिक्विड कूल्ड नहीं देखने को मिल रहा है। 24.1 BHP की इसमें आपको पावर देखने को मिलेगी एंड टॉर्क इसमें आपको ज्यादा देखने को मिलेगा 25.6 Nm का। तो इसका इंजन का जो पावर और टॉर्क है इसको देख कर मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये जो इंजन है ये अंडर स्क्वायर वाला इंजन है, जिसमें कि आपको पावर कम मिलती है और टॉर्क ज्यादा मिलता है, जैसे कि रॉयल एनफील्ड की बाइकों में है कि आपको उनमें पावर कम देखने को मिलती है, टॉर्क ज्यादा देखने को मिलता है। लगभग 19 BHP की अगर पावर देखने को मिलती है तो 28 Nm का टॉर्क देखने को मिलता है। तो जिसमें पावर कम होती है और टॉर्क ज्यादा होता है, वो सब इंजन को हम लोग बोलते हैं अंडर स्क्वायर इंजन। और वहीं इस पावर फिगर्स को अगर आप लोग CB300R से कंपेयर करोगे तो आप लोग पाओगे कि इसमें आपको पावर एंड टॉर्क कम देखने को मिल रही है। अब मिलेगी भी क्यों नहीं, क्योंकि CB300R इस बाइक से एक शोरूम में ही लगभग 40 से 50 हजार रुपए महंगी है। ये बाइक आपको लगभग 2,60,000 रुपए ऑन रोड में मिल जा रही है दिल्ली में, और वहीं आपको जो CB300R है वो 3,15,000 रुपए में मिलेगी ऑन रोड न्यू दिल्ली में। तो प्राइस से आप लोग सुनकर समझ सकते हो कि 50,000 से ज्यादा का यहाँ पे तो आपको गैप देखने को मिल रहा है दोनों बाइकों की प्राइस में। तो दोनों बाइकों की प्राइस में अगर गैप है तो यहाँ पे आपको पावर एंड टॉर्क भी ज्यादा देखने को मिलेगी। तो जो CB300R है उसमें आपको पावर मिल रही 31.1 BHP की, एंड वहीं आपको उसमें टॉर्क जो है वो मिलेगा 27.5 Nm का। अब ये जो बाइक है CB300F, इसको प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो ये कंपेयर हो रही है डोमिनर 400 से, लेकिन यहाँ पे अगर इसकी पावर एंड परफॉर्मेंस के हिसाब से देखा जाए तो इसको डोमिनर 250 से कंपेयर करना ठीक रहेगा, क्योंकि डोमिनर 250 में भी जितना पावर एंड टॉर्क आता है इसमें भी आपको उतना ही देखने को मिलेगा। टॉर्क उसमें थोड़ी सी कम है लेकिन पावर तो ऑलमोस्ट इसी के बराबर या इससे ज्यादा ही है। सो एनीवेज, अब बात करते हैं थोड़ी सी ज्यादा टेक्निकल स्पेसिफिकेशन पे, थोड़ा सा और डिटेल में। तो 293cc का सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड इंजन है, जिसमें 24.1 BHP का पावर और 5.6 Nm का टॉर्क मिल रहा है। 6-speed गियरबॉक्स के साथ ये बाइक आ रही है। सीट हाइट इसकी बताई जा रही है कि जो पुरानी वाली हॉर्नेट आती थी उतनी है, 790 mm की। ग्राउंड क्लियरेंस इसमें आपको मिलेगी 180 mm की। कर्वेट है इसकी 153 kg एंड द फ्यूल टैंक कैपेसिटी यू विल गेट हियर ऑफ 14.1 liters। अब इसके कुछ प्रोस फैक्टर्स पे बात की जाए तो इसमें आपको ऑल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिलेगा। इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी सॉलिड बताई जा रही है, एंड सिंस ये होंडा की बाइक है तो होंडा का सर्विस नेटवर्क आपको पता ही है कि नॉर्मल जो बाइकें होती है उनसे तो ज्यादा ही है। तो होंडा की सर्विस नेटवर्क आपको ज्यादा वाइडली स्प्रेड देखने को मिलेगी। काफी इसमें फीचर्स भी दिए गए हैं, लेकिन इसके कॉन्स फैक्टर्स के बारे में बात की जाए तो अभी से ही निकल के ये सामने आ गई है कि इसकी जितनी पावर एंड टॉर्क है उसके हिसाब से इस बाइक का जो प्राइस है वो काफी ज्यादा रखा गया है। एंड दूसरी, इसका इंजन पर भी एक कमेंट ऑलरेडी आ गया है कि इसका इंजन जो है वो इसकी प्राइस के हिसाब से स्पेशली अंडर पावर्ड है। तो ये दोनों चीज कंपनी को थोड़ी सी ठीक करनी चाहिए। अगर इसमें 300cc का इंजन है तो कम से कम इसमें जो पावर है वो 28 BHP 27 BHP तक देना चाहिए, लेकिन कंपनी भी ये चीज कर नहीं सकती क्योंकि इसके ऊपर भी तो कंपनी की एक बाइक बैठी हुई है CB300R। जैसा मैंने आपको बताया कि 24.1 BHP का पावर है, तो ये जो पावर है ये तो आपको NS200 और RS200 में भी देखने को मिलती है। तो इसके हिसाब से इसकी पावर कितनी होनी चाहिए थी, 0 से 100 ये बाइक जाएगी 6.2 सेकंड्स में, और वहीं इसकी जो टॉप स्पीड है उसको क्लेम किया जा रहा है 160 km/h। माइलेज के बारे में बात किया तो होंडा की बाइक के जो होती है वो खासकर अच्छी माइलेज डिलीवर करती है, तो इसकी जो माइलेज है वो आपको क्लोज टू 30 km/h तक देखने को मिल जाएगी। फ्रंट में इसमें आपको 276 mm की डिस्क देखने को मिलेगी जितने की मेरी बाइक में, रियर में आपको 220 mm की डिस्क देखने को मिलेगी जो कि मेरी बाइक से 20 mm बड़ी है। फ्रंट टायर जो है वो 110 सेक्शन का और जो रियर टायर है वो 150 सेक्शन का। और वहीं इसमें अगर कुछ फीचर्स के बारे में बात की तो फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल इसमें आपको देखने को मिलेगा। होंडा का इसमें आपको टॉर्क कंट्रोल देखने को मिलेगा, जिसको कि होंडा बोल रही है HSTC, जिसका पूरा नाम है होंडा सेलेक्टेबल टॉर्क कंट्रोल। अब इसमें जो टॉर्क है वो है 25 Nm का, तो 25 Nm को टॉर्क कंट्रोल करने के लिए ये जो ट्रैक्शन कंट्रोल टाइप की फीचर मेरे को लग रही है इतनी तो जरूरत है नहीं, जैसे कि R15 में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है जिसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर इसमें आपको स्लीपर क्लच देखने को मिलेगा, ऑल LED लाइट सिस्टम देखने को मिलेगा जैसे कि हॉर्नेट 2.0 में आता है।
हजार इंडिकेटर मिल जाएंगे, यूएसबी चार्जिंग पहले से दिया हुआ है, इंजन स्टार्ट स्टॉप स्विच मिल जाएगा और कंपनी के हिसाब से इसकी जो टायर है काफी वाइड है, रेडियल टायर आपको मिलेगा। अब थोड़ी सी इसकी और कॉम्पिटिशन या फिर इसके जैसे सिमिलर बाइकों के बारे में बात की जाए तो आपको महिंद्रा मोजो 300 जो की पहले आती थी वो मिलेगी, बीएमडब्ल्यू G310R जो की इसी के टाइप की बाइक आपको देखने को मिलेगी, पावर एंड टॉर्क उसमें काफी ज्यादा है, 35 BHP की पावर है। अगेन आपको RR310 से भी ये बाइक कंपेयर होते हुए दिख जाएगी, 310 में भी लगभग 310 cc का 307 cc का इंजन आता है बट उसमें पावर जो है वो है 35 BHP, बट उनकी प्राइस भी ज़्यादा है। अगर इसकी प्राइस देखा जाए तो इसकी प्राइस कम है उनके हिसाब से, उनकी जो प्राइस है इस बाइक से तकरीबन 30-35 हज़ार रुपये ज़्यादा आपको मिलेगी ऑन रोड में। डोमिनियन 400 जैसा मैंने आपको बताया दिया, ड्यूक 390 से तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं, और एक बाइक और हो गई रॉयल एनफील्ड की हंटर 350। तो ये सब कुछ बाइक है जो कि इसी के जैसा सिमिलर है, इसकी कुछ कॉम्पिटिशन वाली बाइक थी और कुछ कॉम्पिटिशन से अप वाली भी बाइक के बारे में मैंने आपको बताया। सीट हाइट है 790 mm और कर्वेट है 153 kg जिसके बारे में ऑलरेडी बात कर लिया। तो दोस्तों ये थी होंडा CB300F जो कि अभी एकदम न्यूली लॉन्च बाइक है। आप लोग मेरे को बताया कमेंट सेक्शन में कि ये बाइक खरीदने लायक है कि नहीं, लेकिन जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा फिर जिन लोग ये बाइक खरीदना चाहते हैं उन लोगों को थोड़ा सा डाउट मैं क्लियर कर देता हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा समझ में आ जाए। और फिर भी अगर आपकी कोई डाउट बची रहेगी इस बाइक के बारे में तो इंस्टाग्राम पे आप लोग मेरे को फॉलो करके सभी अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, लिंक तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो अगर CB300F को अगर आपको खरीदना है तो यहाँ पे आप लोग पावर एंड टॉर्क तो यहाँ पे आप लोगों ने सुनी लिया कि इसकी कम है स्पेशली इसकी प्राइस के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पे अगर आपको कुछ वैसी बाइक चाहिए जो कि एकदम मार्केट में न्यू लगे, एकदम मार्केट में फ्रेश लगे जैसे कि और लोगों के पास हो नहीं, तो इस कंडीशन में आप CB300F को उठा सकते हो। ये काफी अच्छी बाइक रहेगी और होंडा का इसमें इंजन है तो इसमें रिफाइनमेंट की तो पूछो ही मत, रिफाइनमेंट इसमें आपको एकदम टॉप नॉच मिलेगी एंड रिफाइनमेंट के साथ साथ इसमें पावर एंड टॉर्क कम है जिसकी वजह से इसकी माइलेज भी आपको अच्छी देखने को मिलेगी, क्योंकि लगभग जो 300 cc बाइकें होती है वो इन सिटी आपको 25 KMPL के आसपास माइलेज डिलीवर करने लगती है, और ज्यादा अगर आप उनको हाई स्पीड में चलाओगे या फिर ज्यादा रैश चलाओगे तो उनकी माइलेज और ज्यादा ड्रॉप हो जाती है। लेकिन ये बाइक की पावर एंड टॉर्क कम है एंड 300 cc का इंजन भी उतना हाई कंप्रेशन वाला नहीं है जिसकी वजह से ये बाइक आपको माइलेज भी अच्छी दे देगी, क्लोज टू 30 KMPL एंड इन सिटी बहुत ज्यादा अगर आप लोग इसको भगाते भी हो, बहुत रैश भी ड्राइव करते हो तो 25 KMPL के आसपास तो ये जरूर से आपको दे ही देगी, उससे नीचे ये बाइक नहीं जाएगी एंड हाईवे में इसकी माइलेज फिगर्स और ज्यादा बढ़ सकती है। तो ये बाइक थी आपके लिए होंडा CB300F। आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि ये बाइक आपको कैसी लगी, क्या ये बाइक लेने लायक है कि नहीं, या फिर जिन लोगों ने भी अभी तक इस बाइक को ले लिया है तो जोर से बताइए अपना यूजर एक्सपीरियंस ताकि दूसरे भी जो लोग इसको लेने जा रहे हैं उनको भी थोड़ा सा आइडिया मिल जाए ये बाइक कैसी है। सो फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में इतना ही, आप लोगों का वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आप लोगों को वीडियो पसंद आता तो लाइक शेयर जरूर से कर दीजिएगा।